हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज हम बच्चों को कैसे फ्रैक्शन समझाएं इसके लिए मैं बताने जा रही हूँ। तो फ्रैक्शन हम बच्चों को कैसे समझाएंगे, तो इसके लिए देखिए हमें बच्चों को समझाना होगा कि मतलब जैसे फ्रैक्शन वो होते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ओके, पी बाई क्यू जैसे 1/2 या फिर 2/3, तो इस तरह से इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, जैसे ये देखिए, ये रेक्टेंगल हुआ और ये हाफ। इस फ्रैक्शन में एक चीज़ ये भी है कि इसमें जो है वो पार्ट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं। अब जैसे ये मैंने सेट कर दिया इधर, ठीक है, यहाँ सेटिंग डाल दिया, कलर कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/2, 1/2 ऑफ होल। ओके, मतलब पूरे का जो हो गया ये 1/2 हो गया। ये 1 कहाँ से आया, ये जो सेट पार्ट है ये 1, और ये 2 इक्वल पार्ट से, तो ये 2 हो गया। ओके, तो ये 1/2 ऑफ होल। लेकिन यहाँ एक चीज़ और हमें बच्चों को समझाना होगा, वो इस तरह से कि अगर जैसे ये मैंने सर्कल ले लिया, ओके, और ये पार्ट से 2, 1, 2, ठीक है, तो क्या ये फ्रैक्शन में हो सकता है चेंज। इसमें तो इक्वल पार्ट्स नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा छोटा है पार्ट्स और ये बड़ा है, तो ये जो है फ्रैक्शन में ज़रूरी है कि पार्ट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो दिस शेप हैज 2 इक्वल पार्ट्स, बट दिस शेप हैज 2 पार्ट्स, बट देट आर नॉट इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ओके, तो हमें बच्चों को इस तरह से समझाना होगा। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को इस तरह से फिगर बना करके दे सकते हैं, ठीक है, जब वो अच्छे से समझ जाएं, तो हम इस तरह से वर्कशीट बना करके उनको दे सकते हैं। सर्कल बना दिया, इस तरह से ट्रायंगल बना दिया, और हमने कलर कर दिया या फिर सेट कर दिया, ये मैंने पेंसिल से इसी तरह सेट कर दिया है। अब इसमें देखिए, ये पूरा सर्कल है और इसमें कितने पार्ट्स हैं, तो 1, 2, 3 पार्ट्स, और तीनों पार्ट्स जो है वो इक्वल हैं। ओके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये 1, और पार्ट्स कितने, 1, 2, 3, तो 1/3, 1/3, ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन। अब क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, ठीक है, शेडेड पार्ट्स, फॉर द शेडेड पार्ट्स, तो जो शेडेड पार्ट्स है वो 1 है, तो यहाँ पर देखिए 1 शेडेड पार्ट है, तो 1 हो गया, और ये पार्ट्स 3 है टोटल, तो 3 हो गया, इस तरह से। अब उसी तरह इसमें ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, तो कितने ट्रायंगल हो गए, 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल हो गए, और शेडेड पार्ट कितने हैं, तो 1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4, 1/4। अब उसी तरह ये वाला भी हम इस तरह से भी बना के दे सकते हैं बच्चों को, ये कितने हैं, तो 1, 2, ठीक है, और शेडेड पार्ट्स कितने हैं, तो 1, तो 1/2, 1/2। अब इसी तरह ये सर्कल है, तो 1, 2, 3, 4 है, और 1 शेडेड पार्ट्स है, तो 1/4। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से बच्चों को फोटोज़ बना के देंगे, फिगर बना के देंगे, और उन्हें फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये हो गया इस तरह से। जैसे ये देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे ये हम इसे हम क्या लिखेंगे, 1/3, ठीक है, क्योंकि 1, 2, 3 है इसलिए। अब हम इसे क्या करेंगे, द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, यानी जो हमारा ऊपर में जो है वो न्यूमरेटर कहलाता है, ठीक है, NUMERATOR न्यूमरेटर कहलाता है, ये ऊपर वाला, जिसे हिंदी में अंश भी कहते हैं। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं, अंश। ओके, और जो नीचे वाला पार्ट है कि द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, टोटल नंबर जो पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, डिनोमिनेटर कहलाते हैं। ओके, तो यानी कि ये नीचे वाला जो टोटल नंबर जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर, इसे हिंदी में हम कहते हैं हर, ठीक है, अंश, हर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ये हमें बच्चों को बताना होगा। अब साथ ही आप क्या कर सकते, इस तरह से वर्कशीट बना करके दीजिए बच्चों को, जैसे टिक द फिगर इन विच हाफ ऑफ द फिगर इज शेडेड, मतलब बच्चों को यहाँ ये बताना है कि जो पार्ट्स है वो इक्वल होने चाहिए, तो टिक द फिगर्स इन विच हाफ ऑफ द फिगर इज शेडेड। अब जैसे देखिए, ये सर्कल है, सर्कल में मैंने पार्ट इस तरह से बना दिया,
तो जाहिर सी बात है कि इक्वल तो नहीं नज़र आ रहे हैं, तो इसमें टिक नहीं होगा। फिर ये रेक्टेंगल है, इसमें भी ये हाफ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इधर बड़ा इधर छोटा हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें तो शेडेड पार्ट है ही नहीं, यानी कोई पार्ट नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए, ये हाफ है, तो हाफ नज़र आ रहा है कि हाँ ये हाफ वाइट है और ये हाफ शेडेड है, तो इस तरह से इसमें टिक लगाएंगे बच्चे। ठीक है, आप बच्चों को दे सकते हैं जिसे वो पहचान पाएँ कि फ्रैक्शन को हम कैसे पहचानेंगे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? टू इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, टू इक्वल पार्ट्स भी नहीं, जितने भी पार्ट्स हो वो इक्वल होने चाहिए। ओके, अब जैसे यहाँ पर ये मैंने दे दिया है कलर वन हाफ ऑफ द फ्लोइंग। अब बच्चों को थोड़ा सा मज़ा भी आना चाहिए भाई पढ़ते पढ़ते। तो कलर वन हाफ ऑफ द फ्लोइंग मतलब वन हाफ पार्ट्स में इन्हें कलर करना है। इस तरह से भी हम बच्चों को दे सकते हैं, जैसे इस तरह से ये मैंने इसी तरह कर दिया, बच्चे कलर कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब जैसे ये देखिए, सर्कल है और ये शेडेड पार्ट है, इसमें थ्री पार्ट्स हैं जो कि इक्वल है, तो शेडेड पार्ट है वन, तो वन बाय थ्री और वन थर्ड, मतलब ये हमें बच्चों को बताना है कि वन बाय थ्री को या वन अपॉन थ्री को कैसे लिखेंगे, तो वन थर्ड इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब उसी तरह इसमें है टू शेडेड पार्ट्स, टू हो गया, वन ब्लैंक है, तो अब टोटल पार्ट्स कितने हो गए? थ्री, तो थ्री हो गया। और इसको क्या कहेंगे? टू अपॉन थ्री को कहेंगे टू थर्ड। इस तरह से बच्चों को बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है इन्हें। फिर ये थ्री अपॉन थ्री है, क्योंकि पूरे शेडेड पार्ट्स हैं इसलिए थ्री हो गए, और टोटल पार्ट्स भी थ्री हैं तो थ्री हो गए। और वन होल, यानी कि पूरे में होल शेडेड है, तो ये और वन होल, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, ये जैसे मैंने एप्पल यूं ही बना दिया था, तो वन टू थ्री है, तो शेडेड पार्ट है वन, तो वन बाय थ्री या वन अपॉन थ्री ऑफ अ कलेक्शन, इस तरह से हमें लिखना होगा। अब ये है फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट्स। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट्स दिया हुआ है, तो वन टू थ्री, थ्री में पार्ट क्या है? थ्री पार्ट्स, टोटल पार्ट्स है फोर, वन टू थ्री फोर, और थ्री पार्ट्स शेडेड हैं, तो थ्री पार्ट्स शेडेड है तो थ्री हो गया, और टोटल पार्ट्स फोर हो गया, यानी कि थ्री फोर्थ्स। उसी तरह फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट, देखिए यहाँ पर था फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट्स, तो शेडेड पार्ट्स था, तो इसीलिए शेडेड पार्ट्स को ऊपर रखा गया, यानी न्यूमरेटर के रूप में शेडेड पार्ट्स को रखा गया। लेकिन यहाँ है फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट्स, तो अनशेडेड पार्ट्स है तो अनशेडेड पार्ट्स को ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, तो वन ही है अनशेडेड पार्ट्स, यानी शेड नहीं है इसमें, तो इसे ऊपर रखा गया, यानी न्यूमरेटर में अनशेडेड पार्ट्स को रखा गया, तो वन अपॉन टोटल हो गए फोर, फोर हो गए। ठीक है, और वन फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने ट्रायंगल बना दिया है और टू ट्रायंगल को सेट कर दिया है, बाकी को छोड़ दिया है, टोटल है फाइव। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट्स ऑफ ए कलेक्शन, ये हो गए पूरे कलेक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट्स ऑफ ए कलेक्शन, शेडेड पार्ट लिख रहा है तो इसलिए शेडेड पार्ट ही हमने ऊपर में डाल दिया न्यूमरेटर के रूप में, तो टू, क्योंकि टू शेडेड पार्ट्स हैं, टू अपॉन फाइव, यानी इसे क्या कहेंगे? टू फिफ्थ, फाइव टी एच एस, इसमें टी छुपा हुआ है, मैंने लिखा है लेकिन वो छुप गया है, तो एफ आई एफ टी एच एस। ओके, फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, तो अनशेडेड पार्ट कितने हैं? तो थ्री है, वन टू थ्री, तो यहाँ हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव, यानी थ्री फिफ्थ। अब देखिए, अब आप इसे इस तरह से भी दे सकते हैं, इस तरह से आप फोटो बना दिए, सेट कर दीजिए। इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर बच्चों को लिखना है फ्रैक्शन के रूप में, तो ये वन शेडेड पार्ट है, तो वन अपॉन टोटल पार्ट से फोर। ठीक है, इस तरह टू शेडेड पार्ट से, तो टू अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर, थ्री शेडेड पार्ट से इसलिए, और ये टोटल शेडेड पार्ट से फोर अपॉन फोर, और इसे वन होल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे थ्री फोर्थ्स, टू फोर्थ्स, वन फोर्थ। ओके, अब उसी तरह से आप ऐसे भी दे सकते हैं, राइट द फ्रैक्शन विथ, न्यूमरेटर आपने दे दिया टू, डिनोमिनेटर फाइव, तो बच्चे इसे लिखेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने स्पेस नहीं दिया है, आप स्पेस दे दीजिएगा, तो न्यूमरेटर है टू, तो यानी टू होगा ऊपर, और डिनोमिनेटर फाइव है, तो ये फाइव। ठीक है, टू अपॉन फाइव, यहाँ मैं लिख देती हूँ टू अपॉन फाइव, ये हो गया ए का। उसी तरह बी है, न्यूमरेटर थ्री, डिनोमिनेटर सेवन, तो ये हो गया बी का थ्री अपॉन
7. फिर है राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग. जैसे मैंने इसे वर्ड में स्पेलिंग में लिख दिया है तो बच्चे इसे लिखेंगे 7 टेंस है तो 7 टेंस, 5 सेवेंथ, 4 नाइन्थ, इस तरह से. ठीक है, ये मैंने क्या किया है, इसमें टिक लगाना है. ओके, जैसे ये जग है, इसमें पानी है, अब पानी कहाँ तक भरा हुआ है और टोटल नंबर कितना है उसको ध्यान में रखते हुए. तो टोटल तो मेरा डिनोमिनेटर में जाता है यानी हर में जाता है नीचे, तो टोटल है 3, तो इसका मतलब 3 नीचे आएगा. ठीक है, और फिर कहाँ तक पानी है, तो 2 तक पानी है, 2 नंबर तक पानी है, तो ये इसमें टिक लग जाएगा. ठीक है, अब उसी तरह इसमें क्या है, 1 नंबर तक पानी है, तो 1 इसमें भी है लेकिन टोटल 3 है ना हमारा, तो इसलिए 3 यानी 1/3 इसमें टिक लग जाएगा. ओके, फिर ये है पूरा पानी भरा हुआ यानी 3/3 इसमें टिक लग जाएगा. तो आप इस तरह से बच्चों को दे फोटो बना करके, वो अच्छे से मन लगा करके करेंगे भी, फ्रैक्शन को अच्छे से समझ जाएंगे वो. यहाँ मैंने दे दिया है मैचिंग करना, जैसे 1/3 है तो बच्चे देखेंगे कौन से फोटो में शेडेड पार्ट 1 है और टोटल पार्ट्स 3 हैं. ठीक है, उन्हें कैसे बताना है कि जैसे 1/3 लिखा है तो 1 शेडेड पार्ट 1 रहेगा और टोटल पार्ट 3 रहेगा. तो टोटल पार्ट हमारा इसमें देखिए 1, 2, 3 है टोटल पार्ट्स और 1 शेडेड, यानी ये इससे मैच होगा. फिर 1/2 है तो 2 पार्ट्स है इसमें, यानी इससे मैच होगा. इसका मतलब जो नीचे दिया रहेगा तो वो टोटल पार्ट्स रहेगा. ठीक है, अब 2/3 है तो इसमें देखिए 1, 2, 3 पार्ट्स हैं और 2 शेडेड पार्ट्स हैं, तो ये हो गया. अब 1/4 है, तो यहाँ पर ये भी लिखना होगा जैसे बच्चे को कंफर्म हो जाए बच्चे कि हाँ शेडेड पार्ट्स ही को ले, पार्ट्स को लेकर के चलना है. तो मैच द फ्रैक्शन विद द करेक्ट शेडेड पोर्शन. ओके, शेडेड पोर्शन यानी शेडेड पार्ट्स को ही 1 ऊपर में लिखना, ऊपर में रखना है. ठीक है, तो जैसे ये 1/4 है, ठीक है 1 है यानी कि शेडेड पार्ट 1 होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ शेडेड पोर्शन बोल रहा है इसलिए, तो 1 शेडेड पोर्शन है तो 1 हो गया. यहाँ पर देखिए ये शेडेड पोर्शन है 1, तो 1, 2, 3, 4 ये इससे मैच हो जाएगा. और 3/4 है यानी 3 शेडेड पोर्शन है, तो 1, 2, 3 शेडेड पोर्शन है और टोटल पार्ट से 4, तो ये इससे मैच होगा. ठीक है, तो बच्चे को पहले ही कंफर्म कर ले कि शेडेड पोर्शन से करना है कि अनशेडेड पोर्शन से करना है. ठीक है, तो फ्रेंड्स फ्रैक्शन का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बच्चों को आप अच्छे से समझा पाएंगे इस तरह से वर्कशीट तैयार करके. तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा. ओके, और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने के बाद बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करिएगा. ओके ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.